बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो थोड़ी सी फ़नी भी है और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं अपने रूम की विंडो का व्यू। रोज़ मैं देखती थी सरसों के लहलहाते खेत, मेरा बहुत दिल करता था कि वहाँ पे जाऊँ, देखूँ किस तरह से सरसों लगी हुई है, साग लगा हुआ है वहाँ पे। आज मैंने विंडो से देखा तो कुछ आंटियाँ जो हैं वो साग काट रही थी, सरसों काट रही थी। ये देखें जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जा के देखा जाए। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ वहाँ। ये देखें जनाब, आंटियाँ जो हैं वो साग काटने में मसरूफ़ हैं, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो साग पैक करना शुरू कर दिया कि मैं उनसे ले ना लूँ कहीं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोग समझ तो गए होंगे कि वो क्यों भागी। जिस जिसको समझ आई है वो कमेंट ज़रूर करें। देखें जी कितना फ्रेश और हेल्दी है ये साग, बहुत ही प्यारा है ये, इतनी मज़ेदार सी फ्रेश सी खुशबू आ रही है यहाँ पे, और इतना सुकून है। और आंटियों ने तो भागने की, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे उन्होंने देखा कि मतलब कोई वीडियो बना रहे हैं, उन्हें लगा कि शायद ये वही है कि जिनका खेत है, लेकिन हमारा तो नहीं था खेत। तो उन्होंने तो भागने की, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें पैक किया साग और भागने की। तो चलें जी, हम लोग तब तक देखते हैं ये सरसों कितने प्यारे प्यारे से पीले पीले से फूल हैं सरसों के। इतना फ्रेश सा ये साग है, काफ़ी ज़्यादा साग कट चुका है। मैं आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ कितने फ्रेश ये फूल लग रहे हैं, और बहुत ही फ्रेश ये साग है। ये देखें कितने खूबसूरत कलर हैं, ग्रीन और येलो, इतना अच्छा कंट्रास्ट लगता है। मुझे तो ये सरसों का साग बहुत पसंद है, देखने में भी और खाने में भी। ये देखें कितने फ्रेश ये फूल हैं, है ना नेचर की खूबसूरती। तो आप लोग भी इस तरह की नेचर की चीज़ें कैप्चर करते रहा करें, दूसरों के साथ शेयर करते रहा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।